हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस उत्पन्न करने वाली दोनों वेव कोहेरेंट होनी चाहिए, मींस उनके बीच फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसकी पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों वेव की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जो दोनों वेव है उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट इसका क्या है, यदि इंटरफेरेंस उत्पन्न करने वाली किरणें पोलराइज हैं तो पोलराइजेशन किरणों समान व्यवस्था में होनी चाहिए। पोलराइजेशन किरण है वो समान व्यवस्था समान पोजीशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट इसका है, सोर्स के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। जो सोर्स हैं हमारे S1 एंड S2 जो सोर्स हैं उनके जो बीच की दूरी है वो हमारी कम होनी चाहिए। दोनों सोर्स नैरो होने चाहिए। सोर्स से स्क्रीन तक की डिस्टेंस अधिक होनी चाहिए। जो सोर्स से स्क्रीन हमारा है, सोर्स से स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो अधिक होनी चाहिए। और इंटरफेरेंस उत्पन्न करने वाली तरंगों के एम्पलीट्यूड बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। जो वेव्स इंटरफेरेंस प्रोड्यूस या जनरेट करती है उनके एम्पलीट्यूड इक्वल होने चाहिए। ये है इसकी कंडीशंस। जो 7 है ये इम्पोर्टेंट है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।